महाराष्ट्र में जिला परिषद के उपचुनाव नतीजे भले ही महाविकास आघाड़ी के पक्ष में गए हो, लेकिन इन चुनाव में ये सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। जिला परिषद की जीती गई 46 सीटों में से 17 कांग्रेस और 17 एनसीपी और 12 शिवसेना के पक्ष में गई, जबकि पंचायत समिति की 144 सीटों पर कांग्रेस को 35, एनसीपी को 16 और शिवसेना को 22 सीटों पर जीत हासिल हुई। जिससे जिस कांग्रेस को महाविकास आघाड़ी सरकार में कम समझा जा रहा था, वो तीनों में श्रेष्ठ साबित हुई है। महाराष्ट्र के 6 जिला परिषदों की 85 सीटों और इन जिला परिषदों की 144 पंचायत समितियों के लिए मंगलवार 5 अक्टूबर को उपचुनाव हुए थे। बुधवार को हुई मतगणना में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को जिला परिषद में कुल 23 सीटें मिली, जबकि महाविकास आघाड़ी को 46, शिवसेना 12, एनसीपी 17 और कांग्रेस 17 सीटें मिली। अन्य उम्मीदवारों को 16 सीटें मिली। हालांकि पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस पहले नंबर पर रही और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। पंचायत समिति की 144 सीटों में बीजेपी को 33 सीटें मिली है, कांग्रेस को 35 सीटें मिली है, महाविकास आघाड़ी को कुल 73 सीटें, शिवसेना 22, एनसीपी 16, कांग्रेस 35 मिली है। अन्य उम्मीदवारों को 38 सीटें मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चिंतन करने वाली बात है कि जो समीकरण महाविकास आघाड़ी द्वारा बनाया गया है, उस पर विकल्प ढूंढे, अन्यथा आने वाले चुनाव में भी भाजपा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट तो जीतकर अव्वल रहेगी, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी, जो इन उपचुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव के हालातों को देखकर लगाया जा सकता है। जनतेचा विजय आहे। जनता ही भाजप सरकार असलेली जी सेंट्रलची जी सरकार आहे, मोदीची सरकार आहे, त्याला संपूर्ण जनता ही त्रासलेली आहे आणि त्याच्या निषेधार्थ म्हणून आज जनतेने दिलेला कौल असून त्या परिसरात मागील काही वर्षांमध्ये जे विकासात्मक कामाला गती मिळाली नाही त्याच्या विरोधात दिलेला हा कौल असून हा जनतेचा कौल मला मान्य आहे। जनता ही विजय झालेली आहे आणि मी त्यांच्यासोबत सतत त्यांच्यासोबत कार्यरत राहील, त्यांच्या समस्येला सोडवण्याला प्रथम प्राधान्य राहील। बस हीच माझी जनतेच्या प्रति चरणी माझी प्रार्थना। त्यांनी मला विजयी केलं, त्यांचं स्वप्न जे आहे त्या स्वप्नाला साकार करण्याचं काम माझ्या माध्यमातून होईल। जय हिंद।